गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल वोकैबुलरी के बारे में बताएंगे। यानी हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, जैसे हम अपनी बॉडी पार्ट्स में भी बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते। तो सीखना एक क्या है, क्यूरियोसिटी है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है नए नए टर्म्स जानने की, अगर आप डेली 10 नए वर्ड्स भी जानने की कोशिश करेंगे तो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी एक नए लेवल पर पहुँच सकती है। तो आज देखिए, एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने का। इस तरीके से आप चीज़ों को ले सकते हैं। जैसे अब आप इस इमेज में देख रहे हैं, आपके सामने एक हाथ है, ह्यूमन हैंड है। अब देखिए, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम आपको बताएंगे और उनके लिए क्या इंग्लिश वर्ड यूज होता है ये भी हम बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये जो फिंगर है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लिटिल फिंगर। ये है रिंग फिंगर। जब आपकी शादी होती है तो जो रिंग पहनाई जाती है इसी फिंगर में पहनाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर। आप देख सकते हैं इसमें रिंग भी है। और ये है मिडिल फिंगर। और नेक्स्ट फिंगर, ये वाली जो फिंगर है इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। और ये है थंब। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पाम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये जो हथेली होती है जिसको हम पाम बोलते हैं, इसकी रेखाओं को देख करके भविष्य के बारे में बताते हैं। तो ये जो साइंस है जिसमें इन हस्त रेखाओं के आधार पर भविष्य के बारे में बताया जाता है, इसको बोलते हैं पामिस्ट्री। और जो लोग इसके ज्ञाता होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं पामिस्ट्री के, उनको बोलते हैं पामिस्ट। ओके, और एक और वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो पार्ट है यहाँ पर जहाँ से हम इस हाथ को मोड़ सकते हैं, देखिए इस तरीके से, इस पार्ट को बोलते हैं रिस्ट, WRIST, रिस्ट। ओके, तो आज आपने कुछ नए वर्ड्स के बारे में जाना। एक और टर्म आपको बता सकते हैं हम हाथ से ही संबंधित। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिंगर्स पर ये लाइन और ये जॉइंट्स हैं जहाँ से हम फिंगर्स को मोड़ सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नकल, KNUCKLE, नकल। तो प्लूरल क्या हो जाएगा, नकल्स। तो ये जो जॉइंट होता है जहाँ से हम फिंगर को मोड़ सकते हैं इसको बोलते हैं हम नकल, KNUCKLE। ओके, तो आपने आज जिन वर्ड्स के बारे में जानकारी ली इस शॉर्ट वीडियो में वो कौन से हैं, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब, पाम, और इसका जो साइंस है जिसके आधार पर भविष्य बताते हैं पामिस्ट्री, जो लोग इसके ज्ञाता होते हैं उनको पामिस्ट बोलते हैं, और ये रिस्ट और ये नकल। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।